सीएम मनोहर लाल ने टीबी उन्मूलन को लेकर निश्चय योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने टीबी के रोगियों से पूर्ण इलाज और आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि देखरेख की अपील की है। सीएम ने टीबी मरीजों के लिए सरकार के उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी है। सीएम ने उम्मीद जताई है कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा, निश्चय योजना के लाभार्थियों से सीएम का संवाद। विभिन्न संस्थाएं और जो कॉर्पोरेट के लोग हैं वो टीबी रोगियों के पोषण के लिए आगे आए, उनको गोद लेने के लिए आह्वान किया गया था। बहुत से लोगों ने और टीबी रोगियों को अपना गोद लेने का कार्यक्रम चलाया है। माननीय राज्यपाल जी, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य गणमान्य नागरिकों ने टीबी के रोगियों को गोद लिया, उनको जो पोषण किट्स हैं उसको बांटा था। मैंने भी इस योजना के तहत टीबी के 5 रोगियों को गोद लिया है। निक्षय कम्युनिटी सपोर्ट .niksha.in ये बनाया है। विभिन्न संस्थाएं और व्यक्ति विशेष तौर पर जो भी टीबी रोगियों को पोषण सहायता देना चाहता है वह इस पोर्टल पर जाकर के स्वयं लॉग इन करके अपनी आईडी बनाकर पंजीकृत करा सकता है। इन्हें निक्ष मित्र ये कहा जाएगा। अब तक इस पोर्टल पर ऐसे लगभग 1500 निक्ष मित्र ये पंजीकृत हो चुके हैं। आशा है कि टीबी जागरूकता अभियान और उन्मूलन अभियान की पहुंच गांव-गांव और झुग्गी झोपड़ी इसके अंदर होनी चाहिए। हमने हरियाणा में टीबी का मुक्त जांच के लिए 350 बलगम जांच केंद्र और 80 मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाएं और 2 कल्चरल प्रयोगशालाएं ये स्थापित किए हैं। मुफ्त इलाज में हर ब्लॉक पर टीबी यूनिट का निर्माण किया गया है और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर भी टीबी की दवाएं और ये जो है मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2022 में 75,730 टीबी रोगियों की पहचान की गई थी, जिसमें 40,276 रोगी अभी भी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टीबी के राज्यव्यापी वल्नरेबिलिटी मैपिंग सर्वे भी किया जा रहा है। वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन के लिए जिले एवं ब्लॉक स्तर पर टीबी की सेवाओं के निरंतर मूल्यांकन और सुधार के लिए टीबी फॉर्म का ये निर्माण किया।